बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुनने के बाद आप सकते में मुब्तला हो जाएंगे। नाजरीन, दुनिया का खामोश तरीन कमरा जहां आप एक घंटा भी नहीं रुक सकते। ये कमरा माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी मसनूआत को जांचने और दीकर तजर्बात के लिए कायम किया था, जिसे पहली मरतबा 2015 में कायम किया गया था। यह अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसकी तस्दीक कर दी है और ये कमरा रेमंड वाशिंगटन में कायम किया गया है। हम आवाज़ को डेसिबल में नापते हैं, लेकिन ये इस कमरे की खामोशी -20 डेसिबल से कुछ ज़्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि नाजरीन, सिर्फ एक शख्स ने इस कमरे में 30 मिनट से वक्त जाहिद गुजारा है और औसतन अफराद चंद मिनटों बाद बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ये कमरे के अंदर जाते ही आपके दिल की धड़कन सुन सकते हैं, फिर आंतों और मैदे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, उसके बाद हड्डियों की हरकत और खून की रवानी तक सुन सकते हैं। इसमें बैठने वाला अजीब कैफियत का शिकार होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। इसे अंग्रेज़ी में एनिकोइक चैम्बर कहते हैं, जहां आवाज़ की लहरें मुकम्मल तौर पर जज्ब हो जाती हैं। यही वजह है कि यहां की खामोशी बहुत अजीब लगती है, क्योंकि खामोश तरीन लाइब्रेरी में भी 40 डेसिबल का शोर हो सकता है, लेकिन यहाँ -20 डेसिबल का राज है। बहुत से लोग यहाँ आकर चंद सेकंड में कानों की घंटी बजने की आवाज़ महसूस करते हैं और रुकना महाल हो जाता है। नाजरीन, दूसरी बात यह है कि इस कमरे में आकर कई लोगों ने अपना तवाज़न खो दिया और लोग अपनी सांस की आवाज़ से भी डर जाते थे। इंजीनियर्स ने इस कमरे के चारों तरफ और छत पर भी खास तख्ते नमाज साख्त लगाए हैं, जो आवाज़ को जज्ब कर लेते हैं। यही वजह है कि उसकी डिज़ाइनिंग और तैयारी में पूरे 2 बरस लगे हैं। ताहम आम अफराद इस कमरे की सैर नहीं कर सकते, क्योंकि यह संजीदा साइंसी तहकीक और मसनूआत साजी के लिए बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।